देखिए, H.S. लोकवाल जी का कहना बिल्कुल सही है और प्रधानमंत्री को एक मौका है कि वो जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले, क्योंकि जिस प्रकार से सारे देश के किसान आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि अगर समय रहते प्रधानमंत्री जी ने सही कदम नहीं उठाया तो ये इनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी और ऐसी भूल होगी जिसको सुधारा नहीं जा सकता है। सर, ममता बनर्जी ने पूरा समर्थन दिया है सीमा पर, जो किसान है सिंघू बॉर्डर सीमा पर, और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के अधिकार को कॉरपोरेट के हाथ बेचना चाहती है। बिल्कुल, ममता जी क्या सारा विपक्ष इस बात को कह रहा है, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कभी कभी जिद हो जाती है और वो ये नहीं मानते हैं कि देश जो है वो जिद से नहीं चलता है, वो संवाद से चलता है, वो एक दूसरे की बात सुनने से होता है। अगर विपक्ष को पहले ही अगर प्रधानमंत्री विश्वास में लिए होते, तमाम जो किसान संगठन है उसको विश्वास में लिए होते, तो आज ये नौबत उनको देखनी नहीं पड़ती। आज जो पूरे देश के किसानों में जो प्रधानमंत्री के प्रति और इस सरकार के प्रति जो एक गुस्सा है, घृणा है, नफरत है, वो इसीलिए है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सर, वैक्सीन आ सकता है और इसको सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर लेंगे, लेकिन जो कोरोना फ्रंट फाइटर है उसे सबसे पहले दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए, जहां तक कोरोना का मामला है, सारा देश चाहता है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और इस महामारी से देश को निजात मिले। आज जो देश की स्थिति है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो देश के अंदर लोग बिल्कुल बेहाल होकर रह रहे हैं, बच्चों की शिक्षा एक तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, ये तमाम चीज़ें हैं और एक इतने लंबे समय से ये जो इसका प्रकोप चल रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त हो, ये इसमें पूरा देश हमको लगता है कि वो इसमें साथ देगा। अगर वैक्सीन निकलता है तो कैसे हर व्यक्ति तक वो वैक्सीन पहुंचे, लेकिन अफसोस इस बात की है कि प्रधानमंत्री इस मौके पर भी उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुआ तो वहाँ भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि बिहार के लोगों को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, तो इस तरह की बातें करके वो खुद अपने आप को छोटा करते हैं। दूसरा सर, जो हैदराबाद निकाय उसमें TRS एक बड़ी पार्टी के तौर पर है और बीजेपी और सुदीन ओवैसी साहब की पार्टी नेक टू नेक एक दूसरे को आगे पीछे करते दिख रही है, क्या ये बीजेपी के लिए सफलता है हैदराबाद में? नहीं, देखिए, जहां MIM होगा वहां बीजेपी होगी, जहां बीजेपी होगी वहां MIM होगा, ये दोनों एक दूसरे के द्योतक हैं और हैदराबाद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में और आने वाले जो चुनाव हैं बंगाल में, आसाम में, तो MIM हर जगह जा रही है, तो हम लोगों ने जो हमेशा इस बात पर का आरोप लगाया वो गलत आरोप नहीं है कि MIM बीजेपी के साथ मिलकर एक मिली कुश्ती कर रही है।